श्री हरि शरणम। शास्त्र के तात्पर्य का निर्णय छह प्रकार के लक्षणों से होता है। वो क्या है? उपक्रम और उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, ईश्वर और जीव दोनों पक्षी समान भाव से देह रूप एक वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें जीव रूप पक्षी नाना प्रकार के सुख दुख रूप कर्म फल का भोग करता है और ईश्वर रूप पक्षी फलभोगी न होकर निर्लिप्त भाव से रहता है। देह रूप वृक्ष में जीव निमग्न होकर माया के द्वारा मोहित हो जाने के कारण अशेष दुख शोक को भोगता है। अनंतर जब अपने से भिन्न ईश्वर को सेव्य रूप में और अपने को सेवक रूप में जानता है तो ईश्वर की महिमा से अवगत होकर जीव शोक रहित हो जाता है। यहाँ ईश्वर और जीव रूप दोनों पक्षी उपक्रम हैं और ईश्वर रूप पक्षी उपसंहार हैं। उनमें एक फल भोगी है तो दूसरा फल भोगी नहीं है। यह अभ्यास है। शास्त्र ज्ञान के बिना जीव का अल्पत्व और ब्रह्म का बृहत्त्व, यह जो भेद नित्य है, इसे अपूर्वता कहते हैं। शोक रोहित होना फल है। उनकी महिमा को जानना अर्थवाद है। ईश्वर फलभोगी नहीं है, यह उपपत्ति है। इस प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए। अद्वैत ज्ञान शशक श्रृंग की तरह मिथ्या होने के कारण अज्ञात है और उसमें फल के स्वीकार न होने के कारण निष्फल है।